डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 37 चैप्टर 6 का है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और इसको सिंपलीफाई करना है, तो आइए मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन है इसमें, कैसे सिंपलीफाई किया जा सकता है। तो ईजी क्वेश्चन है, इसको लेते हैं वन नंबर में। और क्या दिया हुआ है, 2/5 डिवाइड, इससे जस्ट जो क्वेश्चन पहले था एक्सरसाइज 36 में, उसमें भी ऐसा ही दिया था, डिवाइड दिया हुआ था। तो उसको अगर आप देखते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है, डिवाइड को हम जस्ट मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इसको उलट देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है सेम टू सेम उसको रखते हैं 2/5 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 5/1 हो जाएगा। तो ये 5/1, कोई कटता है तो काटते हैं और नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर कट रहा है, 5/1 = 5 कट गया, तो बचा क्या 2/1। तो 2/1 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4/9 डिवाइड 1/2। तो जस्ट वैसे ही करते हैं, 4/9 को सेम लिखते हैं और मल्टीप्लाई 2/1, ये हो गया। तो यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है क्योंकि 2 पर चला गया है। और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 2 = 8 हो गया और यहाँ नीचे 9, तो यहाँ नीचे में बड़ा नंबर है इसलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो इसको आंसर इसी को रखते हैं, यही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5/8 डिवाइड 2/3। तो 5/8 रखते हैं यहाँ पे और मल्टीप्लाई 3/2, यहाँ भी कटने वाला नहीं है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 3 = 15 हो गया, 15, और 8 × 2 = 16 हो गया। तो नीचे में बड़ा आ रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 4/9 और यहाँ पे डिवाइड हो गया 4/7। तो 4/9 को जस्ट वही रख देते हैं इनटू 4/7, 7/4 हो गया, 7/4। तो ये कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, 4 × 1 = 4 और 7/9 ये तो कटने वाला नहीं है, 7/9 और नीचे में 9 बड़ा नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये दिया हुआ है 8/29 डिवाइड 8/13। तो 8/29 जो है उसको सेम रख देते हैं मल्टीप्लाई और 13/8, तो कट क्या रहा है, कट रहा है 8 × 1 = 8 और ये नंबर कटने वाला नहीं क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 13/29 ये बड़ा नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है 6/11 डिवाइड, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1 × 2/11। तो ये तो सेम रह जाएगा 6/11 और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 11 × 1 = 11 और 2 = 13 हो गया। तो 13/11 बन रहा है, तो इसको उलट देंगे, 11 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 13। तो 11 से कट जाएगा और कुछ कटने वाला नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है, 6/13, तो नीचे में बड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा नहीं, तो 6/13 जो है वही आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया।